अमित देवगन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जौहर एसोसिएशन का प्रदर्शन कानपुर। आज MMA जौहर फैशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी की अगुवाई में प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारे चौराहे पर न्यूज 18 के एंकर अमित देवगन द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर देश के गृह मंत्री व सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमार गुप्ता को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी ने कहा कि न्यूज 18 के एंकर अमित देवगन पहले भी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत कर चुका है। इसने चीन और भारत बीच सैनिकों की मुठभेड़ को भी मजाक बनाया है और भारतीय सैनिकों की शहादत को भी अपमानित किया है। ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी से ख्वाजा साहब के प्रति आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है। वो शख्सियत जो पैगंबर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है, जिसने मुल्क हिंदुस्तान की न केवल हर मुहाज पर तरक्की, मुल्क को तमाम दबावों, तमाम आफतों बलाओं से निजात दिलाने का काम किया, बल्कि मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं। तमाम धर्म के लोग उनकी दरगाह पर, उनके आस्थाने पर जाकर अपनी मुरादों मन्नतों को मानते हैं और उसको पूरा भी होती हैं। आज उस महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में न्यूज 18 के एंकर अमित देवगन ने 2 दिन पूर्व न्यूज डिबेट में बैठकर उन्हें लुटेरा सूफी कहने का काम किया।